हेलो फ्रेंड्स, रेशमा टेलर में आपका स्वागत है। आज हम आपको बहुत ही खूबसूरत लटकन बनाना बताएंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलो शुरू करते हैं। ये हमारा लटकन बना हुआ है, इसको हम कैसे बनाए हैं आपको हम डिटेल में बताएंगे। पहले हम कपड़ा ले लेंगे। इसमें हमको दो कलर कपड़े की ज़रूरत होती है। एक हमने गोल्डन कपड़ा ले लिया है, इसको हम 3 इंच नाप लेंगे। इसको हमने डबल फोल्ड में किया है और ऊपर से 4 इंच ले लेंगे। इसको हम हल्की सी राउंडिंग दे देंगे और यहाँ से इसको मिला देंगे। अब इसी पे हम इसको कट कर लेंगे। इधर से हम इसको ऐसे काट लेंगे। अब ये हमारा 2 पीस कट गया है, 2 पीस हम और काट लेंगे। अब ये हमारे 4 लटकन के लिए मेन कपड़ा कट गया है। अब हमने यहाँ 1.5 इंच की पट्टी काट ली है, इसको हम पतले से मोड़ लेंगे। एकदम पतले से करके पक्की सिलाई एक तरफ लगा देंगे। ये हमने जो कलर का हमारा कपड़ा है उसी कलर का हमने कपड़ा लिया है। इसको हम एक तरफ मोड़ लेंगे। अब हमने एक तरफ इसको मोड़ लिया है। अब हम इसको दूसरी तरफ चुन्नट कर देंगे। अच्छी तरह से हम प्लेट भी डाल सकते हैं, चुन्नट भी डाल दे सकते हैं। हमने इसमें चुन्नट डाला है। अब हमने चुन्नट डाल दिया है। अब हम मेन कपड़े को लेंगे। इस पे इसको अस्तर भी हमने काटा है। अब मेन कपड़े पे इसको हम सिल लेंगे। पहले हम एक साथ भी सिल सकते हैं, लेकिन हम इसको अलग अलग सिल रहे हैं। पहले मेन कपड़े पे इसको अटैच कर लेंगे झलरी को। हम एक दाब पे सिलाई चलाएंगे अच्छे से देख के। अब हम इसके ऊपर अस्तर रख कर इस पर सिलाई चला देंगे तो ये हमारा जो कपड़ा है कवर हो जाएगा। इसी तरह हम 4 लटकन पे कवर कर देंगे।
अब हमने इसको कवर कर दिया, अब इसको अलग कर लेंगे। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। अब हमारा ढक्कन कुछ इस तरह दिखेगा। अब इस पे हम सिलाई चला देंगे अस्तरों में, इन कपड़े को पकड़ के इसी तरह हम चारों पे सिलाई चला लेंगे। अब हमने यहाँ डोरी पलट ली है। अब इसको हम डोरी के नोक हिस्से पे रख कर इस पर सिलाई चला लेंगे। डोरी को हमने नीचे रख लिया है। इसको हम सीधा करके देखेंगे। अब इसके लगभग 3 इंच के ऊपर हम दूसरा लटकन लगाएंगे। इसी तरह हम 3, 4, 5 चाहे जितना लटकन बना सकते हैं और लगा सकते हैं। हमने यहाँ दो दो लटकन बनाया है। इसको हम 3 भी बना सकते हैं, 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। जितना बनाएं उतना खूबसूरत लगेगा। दूसरा लटकन भी हम नाप लेंगे। जितना लटकन हमने पहले दूरी पे लगाया उतनी दूरी पे दूसरा भी लगा लेंगे। अब ये हमारा लटकन बनके तैयार हो गया है। दोस्तों अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।